बात कर रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो पटेल इंजीनियरिंग में छोटी मोटी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। 75 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, तो आपको याद है जहां इससे पहले स्टॉक ने 2-3 दफ़ा हमको रिजेक्शन दिखाया था 65 के लेवल को, इस लेवल को हमने तगड़े सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था। 64-65 का लेवल इसका तगड़ा सपोर्ट रहेगा, ऐसा हम डिस्कस कर चुके थे। देख सकते हैं उसी लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। अब 64 का लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है पटेल इंजीनियरिंग के लिए। नीचे की ओर ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, स्टॉक इसके ऊपर ही सस्टेन होता नज़र आना चाहिए। अगर इसके ऊपर ही पटेल इंजीनियरिंग सस्टेन होता है तो वैसे कंडीशन में बाउंस बैक दिखा सकता है, और अगर रिजेक्शन यहाँ से इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर वैसी कंडीशन में 60 का लेवल नेक्स्ट तगड़ा सपोर्ट रहेगा। अब अगर स्टॉक बाउंस बैक होता है तो इमीडिएट यहाँ से हमको टारगेट देखने के लिए मिलेगा 67.50 का लेवल, और इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर वैसी कंडीशन में 70-71 का लेवल, 70-71 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। इसको ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट रहेगा फिर पटेल इंजीनियरिंग को लगातार तेज़ी के लिए। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो फिर एक क्लियर कट हमारे लिए दोबारा से अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। फिर इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक अपने इस हाई को यानी 75 के लेवल को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। फिर इसके बाद हमको 80 तक का जंप पटेल इंजीनियरिंग दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।